हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली मख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो आज हम लोग इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशंस करेंगे। दो मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। गुड आफ्टरनून ऑल, वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं ये बताइए। आई एम गुड, एंड व्हाट अबाउट यू? ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि एक कोर्स, क्रेश कोर्स लॉन्च हो रहा है 1 नवंबर से। हमारा 30 अक्टूबर को कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 नवंबर से क्रेश कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसको सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इसमें आपको रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आप दोनों कोर्स बाई करते हैं, 1400 का दोनों कोर्स है, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक भी मिल जाएगी, और आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है और इस बार वो दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो क्रेश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी पार्ट 4 आज हम लोग करेंगे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट है यूनिट 7 का। आज हम लोग यूनिट 7 कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों ने कल बहुत सारे इन्वायरमेंटल मोमेंट्स के बारे में पढ़ा है, तकरीबन 5 मोमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और आज हम लोग जो है 6th मोमेंट से स्टार्ट करेंगे, जो कि है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसको शॉर्ट में NBA भी कहा जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसको शॉर्ट में NBA भी कहा जाता है। इसका ईयर था 1985। जिन्होंने अभी तक कोर्स खरीद लिया है, मतलब जो अभी सब्सक्राइब कर चुके हैं फिलर फॉर्म को, उनके लिए वो क्रेश कोर्स जो है वो फ्री रहा है, क्योंकि उनका कोर्स वो दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर तक जो भी हम लोग रिविजन कराएंगे या जो भी हम लोग MCQs कराएंगे, PYQs कराएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह होगा, वो उसमें आप लोग को भी ज्वाइन किया जाएगा, तो आपको क्रेश कोर्स लेने की जरूरत नहीं। ठीक, सो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये ईयर है 1985, वर्ष 1985। प्लेस है नर्मदा रिवर, विच फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये नर्मदा रिवर की बात है, नर्मदा को बचाने के लिए ही आंदोलन चलाया गया था, और ये नर्मदा रिवर जो है कहाँ से कहाँ तक बहती है, ये गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बहती है। ठीक, नर्मदा नदी जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है, ये स्थान में आपको एक फिक्स स्थान नहीं है, क्योंकि ये नर्मदा नदी के बारे में था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, जो गुजरात से शुरू होता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बहती है। ठीक, तो नर्मदा नदी जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है, इसी को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो प्लेस की जगह पर ये कह सकते हैं, वैसे भी नाम से भी पता चल रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा रिवर के बारे में ही बात हो।
लीडर्स कौन थे इसके? मेधा पाटकर, बाबा आमटे, आदिवासी, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। तो बहुत से लोग इसमें शामिल हुए थे, आदिवासी इसमें शामिल हुए थे, ठीक, फार्मर्स इसमें शामिल हुए थे, एनवायरमेंटलिस्ट शामिल हुए थे, जो भी एनवायरमेंट को लेकर जो भी मतलब एक्टिविस्ट होते हैं उनको एनवायरमेंटलिस्ट कहा जाता है, ठीक। और दूसरे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे वो सब भी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लीडर थे इसके वो दो थे, एक मेधा पाटकर और दूसरा बाबा आमटे, ठीक। ये दो नाम आपको लीडर्स में याद रखने हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन में, और बाकी तो सब ट्राइबल्स थे, फार्मर्स थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। तो इनके नाम तो दिए नहीं है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दो नाम याद करने हैं, एक है मेधा पाटकर और दूसरा बाबा आमटे। नेता इसमें कौन थे? मेघा पाटकर, बाबा आमटे, मेधा पाटकर और बाबा आमटे, ये दो नेता थे इसमें। बाकी इसमें आदिवासी भी शामिल हुए थे, किसान भी शामिल हुए थे और पर्यावरणविद भी शामिल हुए थे और मानव अधिकार कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए थे। तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे, बहुत सारे लोगों ने नर्मदा बचाओ के लिए आंदोलन चलाया, ठीक। अब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चला था, ऐसा क्या हुआ था कि लोग जो है नर्मदा को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किए थे, मूवमेंट शुरू किए थे, ये आगे की स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। सो इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का एम या उद्देश्य क्या था? अ सोशल मूवमेंट अगेंस्ट अ नंबर ऑफ लार्ज डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर, ठीक। एक ऐसा सोशल मूवमेंट चलाया गया था, क्यों? क्योंकि जो नर्मदा रिवर है उसके अक्रॉस में एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा था, ठीक। जो नर्मदा रिवर है उसके अक्रॉस में बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा था और उससे ये लग रहा था कि नर्मदा को इससे नुकसान होगा, ठीक। इसीलिए नर्मदा या आसपास की जो बस्तियां हैं उससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आसपास की जो बस्तियां हैं उनको। इसीलिए जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने भी इसमें पार्ट लिया था और उसके आसपास जो आदिवासी रहते थे वो भी इसमें पार्ट लिए थे और उसके आसपास जो फील्ड वगैरह थी, जो किसानों के खेत वगैरह थे, इसीलिए वो सब भी बर्बाद होने वाली थी अगर डैम बनता है, ठीक। तो इसीलिए फार्मर भी इसमें शामिल हुए थे, इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था इससे, इसीलिए इन्वायरमेंटलिस्ट भी इसमें शामिल हुए थे। इस हिसाब सब लोगों ने अपने अपने कॉज की वजह से इसमें हिस्सा लिया, ठीक। तो ये मेन कॉज, इस मेन एम जो था इसका, वो जो डैम बन रहा था उसी डैम को रुकवाना था, ठीक। वही मतलब मेन एम था कि डैम जो है नर्मदा पे जो भी डैम बनाया जा रहा है वो डैम ना बनाया जाए, ठीक। उद्देश्य क्या था इसका? नर्मदा नदी पर बन रहे कई बड़े बांधों के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन था, ठीक। तो नर्मदा नदी के पास जो बन रहा था एक बड़ा बांध, उसी के खिलाफ ये सामाजिक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिससे क्या होता था कि एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, ठीक। इसीलिए पर्यावरणवादी जो थे वो भी इसमें शामिल हुए थे, आदिवासी जो आसपास के लोग थे उनको बड़ा नुकसान हो रहा था, और उसके साथ साथ अगर आदिवासियों का नुकसान होता है तो ह्यूमन राइट का जो है वायलेशन हो रहा है, इसीलिए ह्यूमन राइट के लोग भी इसमें, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक। फार्मर के अपने फील्ड को लेकर बहुत नुकसान हो रहा था, इसीलिए उन्होंने वो भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक। इसीलिए ये नर्मदा नदी पर बांध जो बन रहा था उसके खिलाफ ही आंदोलन चलाया था, ठीक। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, ये सब मतलब किसके बारे में था? द मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट। हमने पढ़ा कि रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एक्ट पास हुआ था, तो वो किस लिए पास हुआ था कि अगर आप किसी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, किसी बस्ती को अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा उनके लिए। ट्राइबल्स को अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं। तो पहले मोमेंट इसीलिए स्टार्ट हुआ था, प्रोटेस्ट जो है वो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि उनको जो है डिस्प्लेस किया जा रहा था, क्योंकि जब भी बांध वगैरह बनते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। जब भी डैम वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं मिला था, उनको प्रॉपर रिसेटलमेंट नहीं मिला था, मतलब सही सही जगह पर उनको घर वगैरह बना के नहीं दिया गया था, ठीक, या उनके लाइवलीहुड का इंतजाम नहीं किया गया था। तो पहले प्रोटेस्ट इस बात को लेकर नहीं था कि डैम बन रहा है तो उसको रुकवाना है, पहले प्रोटेस्ट इसी बात का था कि अगर डैम बन रहा है और हम लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है उसमें,
तो रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया था, इसी के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ। फॉर द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम, और ये जो डैम था उसका नाम क्या था ये याद रखिएगा आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है सरदार सरोवर डैम, और ये जो जहाँ पे बन रहा था ये गुजरात में बन रहा था, ठीक। वैसे तो नर्मदा जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बहती है, लेकिन जो डैम बन रहा था वो गुजरात में बन रहा था, जिसका नाम था सरदार सरोवर डैम, ठीक। इसकी वजह से जितने लोग मतलब डिस्प्लेस हो रहे थे उनके लिए प्रॉपर तरीके से रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का इंतजाम नहीं किया गया था, इसके खिलाफ ही आंदोलन शुरू हुआ, ठीक। सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित हुए लोगों के लिए उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन नहीं करने के विरोध के रूप में सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था वो इस बात पे नहीं शुरू हुआ था कि बांध बन रहा है, बांध को रुकवाना है, बांध को बनने से रोकना है, लेकिन सबसे पहले आंदोलन सिर्फ इस बात पे ही शुरू हुआ था कि वो जो है उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो सरदार सरोवर डैम बनने, सरदार सरोवर बांध बनने की वजह से जो विस्थापित लोग हो रहे थे उन लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से पुनर्वास और पुनर्स्थापन नहीं किया गया था, इसी वजह से सबसे पहले ये विरोध शुरू हुआ। अगर उन्होंने पहले ही पुनर्वास और पुनर्स्थापन किया होता उचित तरीके से तो हो सकता है कि ये आंदोलन होता ही, ठीक, क्योंकि उनको सही जगह पर रहने की मिल जाती और उनके लाइवलीहुड का इंतजाम हो जाता तो उनको कोई मतलब नहीं था डैम बने या कुछ भी बने। तो पहले आंदोलन इसी बात को लेकर शुरू हुआ था, बाद में और भी लोग जब इससे जुड़ने लगे तो ये आंदोलन का अपना एम बदल गया कि अब जो है एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है, ठीक, और फिर जो है आसपास की बस्तियों को, आसपास के पेड़ वगैरह को भी नुकसान हो रहा है, इसलिए ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। मेन एम जो इसका पहले यही था कि उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नहीं मिला। द एनवायरमेंटल इशू वॉज टेकन इन टू कोर्ट, और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये कोर्ट तक बात पहुँच गई इसमें, ठीक, कोर्ट तक ये बात पहुँच गई, इतना ज़्यादा ये आंदोलन बढ़ा। और इन अक्टूबर 2000, ठीक, देखिए आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1985 में शुरू हुआ, तकरीबन 15 साल बाद, तो अक्टूबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था, ठीक, 15 साल बाद। इन अक्टूबर 2000 The Supreme Court gave a judgment approving the construction of the Sardar Sarovar Dam with the condition that the height of the dam could be raised to 19 meters. और ये इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा थी, डैम की बहुत ज़्यादा हाइट थी, तो हाइट को कम करने के लिए भी, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज़्यादा लोगों का नुकसान होगा, ठीक, तो हाइट को कम करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इस बात पर फैसला नहीं दिया कि डैम नहीं बनेगा, बल्कि ये कहा कि डैम बनाइए लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उसकी हाइट जो है वो 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 मीटर तक आप उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ठीक। ये अक्टूबर 2000 में दिया गया था, तकरीबन जब आंदोलन शुरू हुआ था उसके 15 साल बाद, जब आंदोलन शुरू हुआ उसके 15 साल बाद ये फैसला आया था, क्योंकि कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है, पहले आप जो है हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से फैसला मिलता है, कुछ अगर उस पर आप डिसएग्री करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक, तो इसमें टाइम लगता है, इसीलिए इतना टाइम लगा, 15 साल लगा जजमेंट आने में, और फाइनली जजमेंट आया कि डैम बनेगा, सरदार सरोवर डैम बनेगा, लेकिन उसकी हाइट जो है वो 90 मीटर तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पर्यावरण के मुद्दे को अदालत में ले जाया गया, ठीक, ये पर्यावरण का जो मुद्दा था, यानी कि सरदार सरोवर डैम बनने का जो मुद्दा था नर्मदा पे, नर्मदा नदी पे, उसके खिलाफ जो है मामला, जो है मुद्दा, जो है वो अदालत में पहुंच गया, और अक्टूबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण को मंजूरी देते हुए एक शर्त के साथ फैसला दिया कि बांध की ऊंचाई 90 मीटर तक बढ़ाई जा सके, ठीक। तो तकरीबन 15 साल बाद अक्टूबर 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, ठीक, कि सरदार सरोवर डैम तो बनेगा लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसकी जो ऊंचाई होगी, उस बांध की जो ऊंचाई होगी, उस बांध की ऊंचाई 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी होगी, 90 मीटर तक आप बना सकते हैं, 90 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई इसकी नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये तकरीबन 120 या 140 मीटर की ऊंचाई तक बन रहा था,
मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी पता नहीं, हो सकता है आगे हम लोगों ने मेंशन किया हो, नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस 120 या 140 ऐसे कुछ था इसकी ऊंचाई बनना था, तो उसको घटाकर 90 मीटर कर दिया गया। तो यहाँ पे ये फैसला आया कि डैम तो बनेगा और उसकी ऊंचाई जो है 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सरदार सरोवर डैम यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और भी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक में दिया होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है टेहरी डैम। ये 1990s में शुरू हुआ था, यानी कि नर्मदा के 5 साल बाद, नर्मदा बचाओ आंदोलन के 5 साल बाद ये शुरू हुआ था। वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है? वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं ये बताइए आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। टेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के 5 साल बाद शुरू हुआ था, यानी 1990s में शुरू हुआ था। अब क्लियर है नहीं? कि मैं चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, टेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट ये शुरू हुआ था 1990s में, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के 5 साल बाद टेहरी डैम विवाद जो है शुरू हुआ था। टेहरी बांध विवाद प्लेस था इसका भागीरथी रिवर नियर टेहरी इन उत्तराखंड। ठीक, भागीरथी रिवर का नाम है ये नियर टेहरी इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में ही ये पाया जाता है।
ये जगह जो है वो उत्तराखंड में है। टेहरी डैम जो बन रहा था वो उत्तराखंड में ही बन रहा था। स्थान था उत्तराखंड में टेहरी के पास भागीरथी नदी। टेहरी के पास जो भागीरथी नदी थी उसी पे ये डैम बनाया जा रहा था, उसी पे ये बांध बनाया जा रहा था, जिसको टेहरी बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब क्लियर है वाइस वाइस एंड पीपीटी? थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है आज सुबह से ही। लीडर है इसके सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, तो लीडर है इसके सुंदरलाल बहुगुणा, नेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये आप नाम याद रखिएगा इनका, कि टेहरी डैम के जो टेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट के जो लीडर थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। टेहरी बांध विवाद वर्ष 1990 के दशक में शुरू हुआ था और इसका स्थान था टेहरी, उत्तराखंड में टेहरी के पास भागीरथी रिवर, तो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जो है नाम भी याद रखिएगा और इसके जो नेता का नाम था वो भी याद रखिएगा। नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, एम क्या था इसका, उद्देश्य क्या था? द प्रोटेस्ट वॉज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाउन इनहेबिटेंट्स एंड द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वीक इकोसिस्टम। तो इसका मेन जो एम था वो प्रोटेस्ट था किसके अगेंस्ट में, जो भी टाउन के इनहेबिटेंट्स मतलब जो टाउन में रहने वाले लोग थे उनके डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ था और इन्वायरमेंट को जो इससे नुकसान हो रहा था उसके खिलाफ, क्योंकि जब डैम बनेगा तो वीक इकोसिस्टम होगा और वीक इकोसिस्टम होगा तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, तो इसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था, ये मूवमेंट चलाया गया था। तो मेन एम ये था कि डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ और इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ। ठीक, विरोध शहर के निवासियों के लिए विस्थापन और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरणीय परिणाम के खिलाफ। ठीक, तो ये जो डैम बन रहा था, जो बांध बन रहा था, उससे जिन लोगों का विस्थापन हो रहा था वहाँ के जो उस शहर के उस कस्बे के जो भी लोग थे, जो भी निवासी थे, उनका विस्थापन के खिलाफ उसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक, और उसके साथ साथ जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा था उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया। तो मेन एम इसका दो ही था, एक था कि जो विस्थापन हो रहा है लोगों का उसके खिलाफ था और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ। ठीक, टेहरी डैम अट्रैक्टेड नेशनल अटेंशन इन द 1980s एंड द 1990s। ठीक, और नेशनल तौर पे इसको ये अट्रैक्शन पाया था, मतलब नेशनल लेवल पे इसकी बात की जाने लगी थी तब 1980s और 1990s में। ठीक, 1980s और 1990s में, क्यों? क्योंकि द मेजर ऑब्जेक्शन इंक्लूड सेस्मिक सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन, क्योंकि वो रीजन जो है वो सेस्मिक सेंसिटिविटी के का वाला रीजन था, मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस। ठीक, सेस्मिक सेंसिटिविटी वाला रीजन था, अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस थे। अगर उसमें डैम बनता है तो डैम के फटने के, डैम के गिरने के चांसेस ज़्यादा है, और डैम अगर फटेगा तो वहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आ सकती है। ठीक, और बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए ये नेशनल लेवल पे इसकी बात की जाने लगी। टेहरी डैम अट्रैक्टेड नेशनल अटेंशन इन 1980s एंड 1990s। द मेजर ऑब्जेक्शन इंक्लूड सिस्मिक सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन, क्योंकि वो रीजन जो है वो सिस्मिक सेंसिटिविटी के बेस पे था, मतलब वो सिस्मिक सेंसिटिव था, वो यानी कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक, सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एरियाज अलॉन्ग विथ टेहरी टाउन एक्सेट्रा। ठीक, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरियाज थे वो खत्म हो जाते, वो पूरा डूब जाते अगर ऐसा होता है तो। ठीक, और टेहरी टाउन जो वहाँ पे पाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, यानी कि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था इस डैम की वजह से। इसीलिए नेशनल लेवल पे 1980s और 1990s में टेहरी डैम की बात होने लगी। 1980s और 1990 के दशक में टेहरी बांध ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। ठीक, राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित क्यों किया? क्योंकि इसके जो नुकसान थे, इसकी वजह से जो परिणाम होने वाले थे वो बहुत खतरनाक, क्योंकि प्रमुख आपत्तियों में से क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता, क्योंकि वो जो है भूकंप को लेकर वो क्षेत्र संवेदनशील था, यानी कि वहाँ पे भूकंप आने के सबसे ज़्यादा चांस थे, और जब भी भूकंप आएगा वहाँ पे तो ये खतरा था कि डैम और जो बांध है जो बन रहा है वो टूट जाएगा, और अगर बांध टूटता है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकती है, और आसपास के जो वन क्षेत्र है, वनी क्षेत्र हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे वाले क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं जो,
वो पूरी तरीके से जल से भर जाते, जलमग्न हो जाते, यानी कि जल भरा हो जाता वहां पे, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से पूरा डूब जाता। जो भी फॉरेस्ट एरिया था, जंगली एरिया था वहां पे, वो पूरा डूब जाता, और जो टेहरी शहर वहां पे पाया जाता है वो भी पूरी तरीके से डूब जाता। ठीक, इसी वजह से नेशनल लेवल पे इसकी बात की जाने लगी थी 1980s में और 1990s में। ठीक, 1980 में और उसी 1990 में इसकी बात इसी वजह से बहुत ज्यादा उठने लगी। नेक्स्ट आता है द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, जिसको जीबीएम भी कहा जाता है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, जीबीएम भी कहा जाता है इसको। द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इज एन इंडिजिनस ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन इन केन्या दैट इम्पावर्स वुमेन थ्रू द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक, तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट क्या था, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इज एन इंडिजिनस ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिजिनस ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन था केन्या का। ठीक, दैट इम्पावर्स वुमेन थ्रू द प्लांटिंग ऑफ ट्री, जो वुमेन को वुमेन का एम्पावरमेंट कर रहा था किस तरीके से, ट्री को प्लांट करके, मतलब जितने वुमेन को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्री को प्लांट करें। ठीक, तो ट्री प्लांटेशन के जरिए वुमेन्स एम्पावरमेंट किया जा रहा था, वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा था इस मोमेंट में, जिसका नाम है द ग्रीन बेल्ट मोमेंट, और इसका एरिया क्या था, केन्या। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, जिसको जीबीएम के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट केन्या में एक स्वदेशी जमीनी संगठन है। ठीक, ये केन्या में क्या है, एक स्वदेशी जमीनी संगठन है। ठीक, जो पेड़ लगाकर महिलाओं को सशक्त बनाता है, जो क्या करता है, पेड़ लगाकर महिलाओं को सशक्त बनाता है, महिलाओं को शक्ति प्रदान करता है। कैसे, पेड़ लगा, जितनी ज्यादा लोग महिलाएं पेड़ लगाएंगी उतना ज्यादा वो सशक्त होंगी, इस मूवमेंट का यही मानना। तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट केन्या में एक स्वदेशी जमीनी संगठन है जो पेड़ लगाकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वेल नोन ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन। ठीक, तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वेल नोन ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा जाना जाने वाला बहुत इफेक्टिव ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करता है, कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन। जो ग्लोबल लेवल पे पेड़ों की कटाई हो रही है, ग्लोबल लेवल पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उस प्रॉब्लम को ये एड्रेस करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल लेवल पे जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है, उस प्रॉब्लम को ये एड्रेस करता है ग्लोबल लेवल पे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा जाना जाने वाला ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये वैश्विक वनों की कटाई की समस्या को संबोधित करने वाला सबसे प्रभावी और प्रसिद्ध जमीनी संगठन में से एक है। ठीक, तो बहुत सारे जमीनी संगठन पाए जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावी जमीनी संगठन है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जमीनी संगठन है। क्यों, क्योंकि वनों का जो विश्व भर में जो वनों की कटाई हो रही है, और पेड़ों वगैरह को, पेड़ पौधे वगैरह को जो काटा जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे, उससे उसकी समस्या को ये संबोधित करता है, उसी की समस्या को ये संबोधित करता है। तो ये वैश्विक वनों की कटाई की समस्या को संबोधित करने वाला सबसे प्रभावी और प्रसिद्ध जमीनी संगठन। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो है वो किस प्रॉब्लम को डील करता है, तो ये वैश्विक वनों की कटाई की जो समस्या है उसको संबोधित करता है, जो ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है उसको ये डील करता है। ठीक, प्रोफेसर वंगारी मथाई एस्टेब्लिश्ड द ऑर्गेनाइजेशन इन 1977। तो इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, ये ग्रीन बेल्ट मूवमेंट को कौन एस्टेब्लिश किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले का नाम क्या था, वंगारी मथाई ये नाम था, और इन्होंने 1977 में इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। इन्होंने 1977 में इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। ठीक, अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन ऑफ केन्या। ठीक, तो किसके साथ मिलकर किया था इन्होंने, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन ऑफ केन्या, ये एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पे था,
NCWK करके, नेशनल काउंसिल ऑफ वेमेन ऑफ केन्या, इसके अंडर, इसके सपोर्ट में ही इन्होंने ये आंदोलन, ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जिसका नाम था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। और इसको शुरू किया गया था कि इसके जरिए वांगारी मथाई के जरिए शुरू किया गया था। प्रोफेसर वांगारी मथाई ने 1977 में केन्या की राष्ट्रीय महिला परिषद के तत्वाधान में संगठन की स्थापना की। प्रोफेसर वांगारी मथाई ने ही 1977 में केन्या की राष्ट्रीय महिला परिषद के तत्वाधान में ये संगठन शुरू किया गया था। तो संगठन कब शुरू किया गया था, यानी कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट कब शुरू किया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। ये 1977 में शुरू किया गया था। किसके जरिए शुरू किया गया था? केन्या की राष्ट्रीय महिला परिषद के जरिए। और इसकी लीडर कौन थी जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था, जिसने इस संगठन को शुरू किया था? वो प्रोफेसर वांगारी मथाई। ठीक, प्रोफेसर वांगारी मथाई, ठीक, इन्होंने ही इस आंदोलन को शुरू किया। वांगारी मथाई 2004 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक, वांगारी मथाई को 2004 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। एक नोबेल शांति पुरस्कार इनको 2004 में मिला था वांगारी मथाई को। ठीक, थ्रू हर सिग्निफिकेंट इफर्ट्स, उनके सिग्निफिकेंट इफर्ट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत इफर्ट्स डाला था प्लांट्स को बचाने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत सिग्निफिकेंट इफर्ट्स किया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। वांगारी मथाई बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन एंड द फर्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट टू विन द पीस प्राइज। तो पहली अफ्रीकन महिला और पहली इन्वायरमेंटलिस्ट थी ये, जिनको पहला मतलब नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो वांगारी मथाई बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन एंड द फर्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट टू विन द पीस प्राइज। ठीक, तो पहले वुमेन अफ्रीकन वुमेन थी और पहली इन्वायरमेंटलिस्ट थी जिन्होंने, जिनको ये पीस प्राइज मिला था। और कब मिला था? 2004 में। ठीक, अपने महत्वपूर्ण प्रयासों के माध्यम से वांगारी मथाई शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी महिला और पहली पर्यावरणविद बने। ठीक, मतलब पहली पर्यावरणविद और पहली महिला ऐसी थी जिनको शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक, और 2004 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था वांगारी मथाई को। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लांटेशन करके और जो भी प्लांट की कटाई हो रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर इन्होंने डिफॉरेस्टेशन को, की जो प्रॉब्लम थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब उसको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था कि इस तरह की जो एक्शन हो रहे हैं, इस तरह की जो क्रियाएँ हो रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर इनका फोकस था प्लांटेशन लगाने कि ज़्यादातर इनका फोकस क्या था, प्लांटेशन लगाने का, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का इनका फोकस था। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CFCs एंड अदर पोल्यूशन। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। और ये गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CFCs और दूसरे जो पॉल्यूटेंट हैं, उसकी वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट काज बाई इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CFCs एंड अदर पॉल्यूशन।
तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CFCs एंड अदर पॉल्यूटेंट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे है? या फिर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता कैसे है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। जितना ज़्यादा गैसेज बढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CFCs मीथेन वगैरह, उतना ही ज़्यादा जो है क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन की रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है या जो अदर रेज होती है सन की, जो हीट रेज होती है, यानी आप सिर्फ सिंपल ये कह सकते हैं हीट रेज होती है, जो गर्म रेज होती हैं, वो जब जमीन पर पड़ती हैं तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। जब वो अर्थ पर पड़ती हैं तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। रिफ्लेक्शन के साथ जो है क्या होता है, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो, अगर ये गैसेस ना हो बीच में, ठीक, तो वो सीधा ऊपर चली जाती है, जिससे क्या होता है अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन ये सब पॉल्यूटेंट की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन या CFCs वगैरह की वजह से। CFCs का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता है कि ये ट्रैप कर लेती हैं वो हीट, मतलब जब वो रिफ्लेक्शन होता है, नीचे से रिफ्लेक्ट हुई जो भी हीट रेज आए, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस इन पॉल्यूटेंट से जाकर टकरा जाए और वो फिर वापस ऐसी होती रहती है, मतलब वहीं अर्थ के पास ही, अर्थ के एरिया में ही रह जाती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है वो रेज, उससे बाहर नहीं जा पाती, ठीक। इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर गर्म होता रहता है, वो अर्थ का टेम्परेचर हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक। यही कारण है कि मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड CFCs या मीथेन या जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी वजह से ये जब इसका इंक्रीज होता है तो अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस कैसे इफेक्ट करती हैं? यही है, वो हीट रेज को ट्रैप कर लेती है, मतलब वो उनसे जब हीट रेज टकराती है तो ये वापस नहीं जा पाती। इसीलिए क्या होता है कि एक टाइम के बाद अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी कि आप जब बचपन में, मतलब आप जब बचपन में थे उस वक्त का टेम्परेचर क्या था और अभी का टेम्परेचर क्या था, ठीक। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे जब रेनी सीजन होता था तो बारिश बहुत हुआ करती है, अभी बहुत रेयरली बारिश होती है, ठीक। पता ही नहीं चलता है कि ये रेनी सीजन चल रहा है, ठीक। तो ये क्या है, एक तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब इसी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो भी होता है वो सब ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CFCs एंड अदर पॉल्यूटेंट। दूसरे पॉल्यूटेंट की वजह से भी ये होता है। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड CFC और अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर के कारण, ग्रीन हाउस प्रभावों के कारण आमतौर पर पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि, ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कब होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब बढ़ जाता है या दूसरे प्रदूषक जैसे कि मीथेन वगैरह, ठीक, ये जब बढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, यानी कि जब भी इन्वायरमेंट में बढ़ जाते हैं, इनका स्तर जब बढ़ जाता है तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। और इसी ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग मैंने समझाया कि क्या होता है, जब सूरज से जो भी गर्म किरणें आती हैं वो जब अर्थ से यानी कि पृथ्वी से जब टकराती हैं तो उनका जो है रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब वो टकराकर वापस जाने लगता है, ठीक। तो जब ये सारे प्रदूषक उसमें इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं तो ये उस जो वापस जा रही रेज होती हैं, जो गर्म किरणें होती हैं, उनको रोक लेती हैं, ठीक। इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है वो
धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक, सो ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत ही डेंजरस इशू है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आने वाले समय में भी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, क्योंकि हर साल अर्थ का टेम्परेचर 1-2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक, तो जितना ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ये मतलब लाइफ के लिए खतरा होता जाएगा, ठीक, उतना ही ये जीवन के लिए खतरा बनता जाएगा। ठीक, जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का उतना ज़्यादा ये खतरा बनता जाएगा और हर साल तकरीबन 1-2 डिग्री जो है वो बढ़ता रहता है अर्थ का जो तापमान है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल जो रेफ्रिजरेटर वगैरह आते हैं, जो एसी वगैरह आते हैं, उसमें पहले जो है सीएफसी का यूज़ किया जाता था, यानी कि क्लोरो क्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो है वो हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब सीएफसी जो है बैन कर दिया गया कि आप जो है अब रेफ्रिजरेटर वगैरह या एसी वगैरह में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वेरीज। तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं और उनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग है, कि आप लोग फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे कि अलग अलग गैसेज का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कौन कौन सा है, कितना है। ठीक, ये सोशियोलॉजी में इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक, और सबका अलग अलग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। नेचुरली ऑकरिंग गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, तो कुछ ऐसे गैसेज भी हैं एटमॉस्फेयर में जिनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो नेचुरली पाए जाते हैं, वो गैसेज एटमॉस्फेयर में वो गैसेज नेचुरली पाए जाते हैं, उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, लेकिन कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें हैं और उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता भी भिन्न है। ठीक, तो बहुत प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज पाई जाती हैं और उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता जो है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की जो क्षमता है, ग्लोबल वार्मिंग करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। हर गैसेज की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक, और वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैसें, बहुत सी वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैसें हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस, वो भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज, उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, लेकिन कुछ जो है मनुष्य की गतिविधियों की वजह से भी कुछ ऐसे गैसेस हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, बट ऑल्सो जनरेटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो यही मैंने पहले ही बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जरिए भी बहुत सारी गैसेस जनरेट होती हैं। तो और ये सब गैसेस कौन सी हैं जिसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से गैसेज रिलीज होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं? ठीक, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इंक्लूड्स एमंग अदर्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें जो है इन गैसेज में कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है एंड नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग गैसेज हैं। ठीक, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकलता है, जो हम जो जलाते हैं चीज़ों को, ठीक, उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कोई भी चीज़ जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसें जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही निकलती हैं। ठीक, और इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, लेकिन मानव गतिविधियों के माध्यम से भी उत्पन्न होता है। तो बहुत सारी गैसेज ऐसी हैं जो मानव गतिविधियों के माध्यम से भी उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से गैसेज हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो तो है ही, लेकिन मानव गतिविधियों की वजह से भी बहुत सारे गैसेज ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक, क्योंकि जो नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं गैसेज वो इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक, वो थोड़ा सा बैलेंस लेकर चलते हैं, लेकिन जो मानव गतिविधियों के जरिए जो उत्पन्न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो मानव गतिविधियों के जरिए जो भी गैसेज निकलती हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है जिसका फॉर्मूला है CH4, कभी आपको फार्मूला भी दे सकता है और कभी आपको नाम भी दे सकता है, तो फार्मूला और नाम दोनों आपको याद होंगे। ये केमिकल फार्मूला है इसका, मीथेन का CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड का N2O। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2। ठीक,
N2O और CO2। तो CO2, CH4, N2O ये सारी गैसेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। ठीक, और ये सारी गैसेस किस वजह से होती हैं, ये मानव गतिविधियों के जरिए उत्पन्न होती हैं, मानव गतिविधियों के माध्यम से ही ये उत्पन्न होती हैं। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन से हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैन मेड कॉजेज कौन से हैं, मैन मेड कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो मैन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो कौन कौन से है। सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन, जो हम लोग फॉरेस्ट वगैरह को काट रहे हैं और नए तरीके से प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक, प्लांट वगैरह को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है, नए नए प्रोजेक्ट को लेकर फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक, और नए प्लांट्स नहीं लगाए जा रहे हैं। ठीक, उस लेवल पे प्लांटेशन नहीं किया जा रहा है जिस लेवल पे कटाई की जा रही है, चाहे वो कमर्शियलाइज किया जा रहा है फॉरेस्ट को, जैसे जो पेज वगैरह बनते हैं वो फॉरेस्ट से ही बनते हैं, मतलब जो लकड़ी वगैरह होती है उसी से बनते हैं, पेड़ वगैरह से ही ये पेपर वगैरह बनते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे आपके आसपास कितने पेपर इस्तेमाल कर किए जाते हैं, और तकरीबन हर 3,000 पेज बनाने के लिए एक पेड़ को काटना पड़ता है। ठीक, तो आप देख लीजिए आपके आसपास ही कितने पेज होंगे, तो ऐसे कितने पेड़ काटे जाते होंगे हमेशा जो पेपर इंडस्ट्री है वहाँ। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। ठीक, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक, तो अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है किसी वजह से, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेंगे, और ऐसे मतलब एक संतुलन बना रहेगा, एक इक्विलिब्रियम बना रहे। लेकिन अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं होगा और वो हमेशा एनवायरनमेंट में बने रहेंगे, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक, तो वनों की कटाई सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे वनों की कटाई की जा रही है। हमेशा आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे वनों की कटाई की जाती है, चाहे वो कमर्शियलाइजेशन व्यवसायिक कारण, मतलब उसको काटा जा रहा है, मतलब इस चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है लकड़ी वगैरह से बनाई जाती हैं, जैसे बेड वगैरह हो गए, सोफे वगैरह हो गए, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं। तो उसको बनाने के लिए कटाई की जाती है, लेकिन कटाई के बदले जो है नए पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते। ठीक, नए पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते, या लगाए भी जाते हैं तो उनको बेचने के लिए ही लगाए जाते हैं, इसलिए नहीं कोई लगाता है कि मतलब ये मतलब हम लोग इन्वायरमेंट के लिए लगा रहे हैं, पर्यावरण के लिए लगा रहे हैं। वैसे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट का मतलब एक पॉलिसी वगैरह होती है, जो भी थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ हम प्लांटेशन कर रहे हैं या मतलब हम पेड़ों को लगा रहे हैं। ठीक, वो सब कुछ दिनों का होता है, जो लगाते भी हैं पेड़ वो भी कुछ दिन बाद सूख जाते हैं, कोई देखने भी नहीं जाता है कि वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। तो वनों की कटाई बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, और इसका मतलब इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है, मतलब फिर से उसको पेड़ वगैरह को नहीं लगाया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मैंने पहले ही बताया कि ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से क्यों हो रही है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वही सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट में वातावरण मतलब जो भी इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उस तो वो जो है इस्तेमाल नहीं होगी, और इस्तेमाल नहीं होगी तो हमेशा उसमें बनी रहेगी, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होगा और एक संतुलन बना रहेगा, और अगर नहीं लगाएंगे और पेड़ कटते रहे, अभी देखिए आपके आसपास बहुत रेयरली पेड़ दिखते हैं, पहले बहुत ज़्यादा दिखते थे, अभी बहुत रेयरली आपको दिखेंगे। इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से। ठीक, एयर पोल्यूशन वगैरह भी इसी की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। यूज ऑफ व्हीकल्स का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं तो इसमें जो फॉसिल फ्यूल जलते हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम वगैरह जो जलते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह निकलते हैं। ठीक, तो व्हीकल्स का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होती है, या अनबर्न जो पेट्रोलियम होते हैं उससे मीथेन निकलता है, एक मीथेन गैस निकलती है। ठीक,
इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा यूज होगा उतना ज़्यादा जो है गैसेज, इस तरह की गैसेज इन्वायरमेंट में पहुँचेंगे। ठीक, अभी तो मतलब लगाया गया हर व्हीकल को 15 साल तक रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक तो ये तरीका है थोड़ा सा कम करने की, लेकिन फिर भी व्हीकल्स यूज हो रही हैं। अगर किसी के पास कार नहीं है तो बाइक तो मतलब मस्ट है कि उसके पास हो, और वो थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी बाइक का इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम चल रहा है, पेट्रोलियम जब चलता है तो उससे बहुत सारी ऐसी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक, तो व्हीकल का यूज भी, वाहनों का उपयोग भी ग्लोबल वार्मिंग का एक एक वजह बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। ठीक, तो समझ में आ गया यूज ऑफ व्हीकल्स की वजह से कैसे हो रहा है। जितना ज़्यादा व्हीकल्स बढ़ेगी, आप देखेंगे दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतलब कारें वगैरह पाई जाती हैं, इसी वजह से वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक, ऐसी जो बिजी एरियाज हैं जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा पाई जाती हैं, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और इसी वजह से जब एयर पॉल्यूशन क्या है, यही सब गैसेज जाके जमा हो जाती हैं, उसी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, और यही सब जो है कारण है ग्लोबल वार्मिंग के। जो गाड़ियाँ जिससे धुआं वगैरह निकलता है, लोग ऐसे धड़ल्ले से चलाते रहते हैं, उनको मतलब पर्यावरण से तो कोई मतलब नहीं है, इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक, उनको चलाने से मतलब होता है, कोई ध्यान नहीं देता इतना। ठीक, और अगर मतलब थोड़ा सा चलान अगर कटता भी है तो उसमें भी बीच में सब करप्शन वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे अभी देखिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है, हर गाड़ी का एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो 10,000 तक का फाइन है कि आपके पास अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए इतना आसान है कि मतलब कहीं कहीं पे भी चेक भी नहीं करते हैं, आप चाहिए फीस जमा करिए वो बना के दे देंगे, चेक भी नहीं करते। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी मतलब करप्शन की वजह से भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर यूज़ हो रहा है लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, जैसे हमको थोड़ी दूर जाना है तो बाइक से ना जाकर पैदल जाएँ या साइकिल से जाएँ, तो थोड़ा सा मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब केयर करते हैं तो बहुत सारे मुश्किल से बच सकते हैं। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले एसी वगैरह में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज किए जाते थे, ये गैसेस बहुत ज़्यादा यूज कर की जाती थी जो भी एयर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट थे। ठीक, एनवायरमेंट टेम्परेचर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट कह सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह है या एसी वगैरह है, इन सब में जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता था। अभी इस पर बैन लग चुका है, इंडिया में ये नहीं यूज होता है, अब हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं बनता। ठीक, तो अब सीएफसी गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो वो बंद कर दिया गया। ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप होंगी उतना ज़्यादा जो है उससे, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है फसल फ्यूल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है या कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिससे मीथेन वगैरह रिलीज होते हैं। ठीक, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी उतना ज़्यादा ये सारी गैसेस रिलीज होंगी, और ये गैसेस जितना रिलीज होंगी उतना ज़्यादा जो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बने। ठीक, तो आप देखेंगे जो इंडस्ट्री की एरियाज होती हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना, वो मैंने देखा है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज होती हैं उसके आसपास अगर आप जो आयरन के गेट वगैरह होते हैं, लोहे के जो गेट वगैरह होते हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, 6 महीने 7 महीने में वो पूरा ख़राब हो जाता है। ठीक, हाँ, पेंट वगैरह आप कुछ भी लगा दीजिए कोई असर नहीं होता है। तो आप सोचिए कि एक लोहे का दरवाज़ा जो है, एक लोहे का जो गेट है, वो इतनी आसानी से ख़राब हो जाता है। ठीक, तो आप बताइए इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा होगा इससे। ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर की वजह से, एग्रीकल्चर में कैसे होता है, जो पेडी क्रॉप होता है उससे मीथेन गैस निकलती है। ठीक, पेडी क्रॉप से मीथेन गैस निकलती है। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उन सबसे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, या जो हम लोग जलाते हैं क्रॉप की कटाई के बाद जो उसमें बच जाती हैं चीज़ें, उसको जलाया जाता है। अभी तो उस पर थोड़ा सा रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी उसको जला के ही ख़त्म किया जाता है। ठीक, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा अगर लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा शक्ति है तो उस थोड़ी देर के लिए नहीं चलाते हैं, फिर उसके बाद जैसी शक्ति खत्म हो जाती है चलाते हैं, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक, तो एग्रीकल्चर की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चाहे आप जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं ग्रेन के बाद जो बचता है उसको जला के करते हैं,
या पेटी क्रॉप से मीथेन गैस निकलती है, उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक, तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक, और उतना ज़्यादा हम लोग अदर चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे, व्हीकल्स का भी इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, सारी चीज़ें जो पॉपुलेशन पर ही डिपेंड कर रही हैं। ठीक, तो ओवर पॉपुलेशन ही एक कारण है इसका ग्लोबल वार्मिंग का, बढ़ती जनसंख्या भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। ठीक, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनती है। तो ये सारे कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग के जो मैन मेड कारण है। ठीक, अब ये नेचुरल कारण क्या है, नेचुरल कॉज क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, नेचुरल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है वॉल्केनोज। वॉल्केनोज क्या होती हैं, ज्वालामुखी वगैरह जो होती हैं, जो पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों की गर्मी से जो है ज्वालामुखी या वॉल्केनोज वगैरह फटती हैं, जिसकी वजह से उसमें वो जल रहा है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलेंगी या दूसरी गैसेज उसमें से निकलेंगी, वो एटमॉस्फेयर में ही तो जाएंगी, तो एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो। तो ये नेचुरल कॉज है, इसमें माइंड का कोई कंट्रोल नहीं होता है, माइंड मेड कारण नहीं है, ये नेचुरल कारण है, ये वॉल्केनोज और ज्वालामुखी वगैरह जो है ये नेचुरल कॉज है ग्लोबल वार्मिंग। वाटर वेपर जलवायु, जलवाष्प। वाटर वेपर क्या है, जब इवेपोरेशन होता है, ठीक, इवेपोरेशन होता है या बारिश वगैरह होती है तो कुछ वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में जमा हो जाता है। ठीक, अब वो वाटर वेपर भी क्या करते हैं, वो भी हीट को ट्रैप करते हैं, जो हीट रेस है उसको ट्रैप करते हैं, उसको रोकते हैं, जो गर्म किरणें हैं उसको रोकते हैं, उसको ट्रैप करते हैं। ठीक, उनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वाटर वेपर की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो वाटर वेपर भी एक कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, और ये नेचुरल कॉज है। बारिश होगी तब भी वाटर वेपर कुछ रह जाते हैं एटमॉस्फेयर पे, या अगर इवेपोरेशन हो रहा है जैसे नदी वगैरह जहाँ पे पानी जमा होते हैं, फिर जब सूरज की वजह से वो जब पानी गर्म होता है तो उसका वेपराइजेशन होता है और वो वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट, पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट, इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट जो होता है उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, आप देखेंगे जब बारिश होती है, बारिश के कुछ ही देर बाद अगर सूरज निकल जाए तो बहुत ख़राब गर्मी होने लगती है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर मौजूद होता है, ठीक, और वो हीट को ट्रैप करता है, ठीक, इसी वजह से उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फॉरेस्ट ब्लेजेस की वजह से, जंगल की जो लगते हैं, जंगल में जो आग वगैरह लग जाती है, ठीक, आग लगने की वजह से जो उसकी लगते हैं उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक, इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। फॉरेस्ट ब्लेजेस, ये सारे नेचुरल कॉज हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, तो नेचुरल कॉज और मैन मेड कॉज दोनों आपको पता होने चाहिए। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ क्या क्या है। मैन मेड कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन, यूज ऑफ व्हीकल्स, वनों की कटाई, वाहनों का उपयोग, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ओवर पॉपुलेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, औद्योगिक विकास, कृषि, जनसंख्या। ठीक, तो ये सब जो है कारण है ग्लोबल वार्मिंग के जो मैन मेड कारण है। परमाफ्रॉस्ट कहते हैं जो ग्लेशियर्स वगैरह होती हैं, जो जहाँ पे बर्फ वगैरह जमी होती है वो जब पिघलने लगती है उसी को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। ठीक, तो अभी हम लोग मैन मेड कॉज पढ़ रहे हैं, वो नेचुरल कॉज है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ओवर पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये मैन मेड कॉज हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, औद्योगिक विकास, कृषि, जनसंख्या। नेचुरल कॉज में है वोल्केनोज, ज्वालामुखी वगैरह, वाटर वेपर, मेल्टिंग, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट में बता चुका हूँ क्या होता है, जो ग्लेशियर्स वगैरह होती हैं आपने सुना होगा पहाड़ों वगैरह पे कुछ बर्फ जमी होती है वो पिघलने लगती है,
उसी को परमा प्राश कहा जाता है। ठीक, वो जब पिघलती हैं क्योंकि उनकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, जब वो पिघलने लगेंगी तो वो पिघलती क्यों, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वो पिघलने लगेंगी, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पिघलने लगेंगी, तो उनकी पिघलने की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। फॉरेस्ट ब्लेजेस यानी कि फॉरेस्ट में जो आग लगती है उससे जो लपटें निकलती हैं, जंगलों में जो आग लगती है उससे जो लपटें निकलती हैं उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग के काज आपको पता चल गए क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसका प्रभाव क्या हो। राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, मैंने बताया कि हर साल कुछ ना कुछ 2-3 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। ठीक, और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसी तापमान में वृद्धि होगी। ठीक, तो सिंस 1880 द अर्थ टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाई 1 डिग्री। 1880 से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ चुका है, और 1 डिग्री बढ़ने का मतलब बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। ठीक, 1880 से लेकर टेम्परेचर अभी तक जो है 1 डिग्री बढ़ चुका है। 1880 यानी कि तकरीबन अभी 2023 चल रहा है, तो 1880 यानी कि 120 साल उधर और 23 साल इधर, यानी कि 140 साल में टेम्परेचर तकरीबन 1 डिग्री बढ़ चुका है। 1880 के बाद से पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हो गई, और ये जो है वृद्धि हर साल तेज होती जाए। ठीक, जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी उतना ज़्यादा वृद्धि में तेज होती जाएगी। ठीक, थ्रेट्स टू इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, पारिस्थितिकी के लिए, ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि रेनी सीजन में बारिश ही नहीं हो रही है, गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, ठंडक ही नहीं पड़ रही है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है, क्लाइमेट चेंज है। ठीक, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो, जलवायु परिवर्तन जो है वो सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, रोगों का फैलाव, अलग अलग डिजीजेस फैल रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे स्किन कैंसर वगैरह सबसे ज़्यादा फैलता है इससे। ठीक, या स्किन से रिलेटेड डिजीजेस, या मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीजेस, सांस लेने में परेशानी वगैरह होती है। ठीक, ये सारी अस्थमा वगैरह ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के ही इफेक्ट है। ठीक, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, रोगों का फैलाव, हाई मोर्टलिटी रेट्स, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ रही है। ठीक, हाई मोर्टलिटी रेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, और जो नेचुरल हैबिटेट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, जो नेचुरल हैबिटेट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको जिस तरह का हैबिटेट चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, इसीलिए ये ख़त्म हो रहे हैं। प्राकृतिक आवास का जो नुकसान हो रहा है वो भी हो रहा है। ठीक, जो भी आवास है प्राकृतिक तरीके से जैसा आवास चाहिए वैसा उनको आवास नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, ठीक, जो ख़त्म होने वाले हैं, उनकी कुछ ही प्रजातियां बची हुई हैं। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे जो है नेचुरल हैबिटेट भी ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, विकास और विस्थापन, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, विकास और विस्थापन। क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसकी वजह से विस्थापन होता ही होता है, जैसे रोड बन रहा है, रोड को चौड़ा कराना है, तो आसपास की जो भी बस्तियां होती हैं उनको, जो भी रोड के किनारे पे जो भी बस्तियां होती हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। ठीक, तो डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट, अगर डैम वगैरह बन रहे हैं तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि किस वजह से सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, किस प्रोजेक्ट, किस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये डैम। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इससे, डायरेक्ट आप डैम पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि डैम की वजह से सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है।
डैम से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है। डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, विकास और विस्थापन। तो जवाहरलाल नेहरू ने स्पीकिंग टू विलेजर्स हु वर टू बी डिस्प्लेस्ड बाय द हीराकुंड डैम 1948। तो हीराकुंड डैम बन रहा था 1948 में, एक हीराकुंड डैम जो बन रहा था 1948 में, तो जो विलेजर्स उसकी वजह से डिस्प्लेस हो रहे थे, उनसे बात करते वक्त जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था आगे हम लोग देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने हीराकुंड बांध जो 1948 में बन रहा था उसके द्वारा जितने भी ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ा था उनसे बात करते वक्त उन्होंने कहा था कि इफ यू आर टू सफर यू शुड सफर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको भुगतना पड़ रहा है, तो आप देश के लिए भुगत रहे हैं, देश के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इससे देश को फायदा होगा, और अगर किसी प्रोजेक्ट से देश को फायदा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो उसको झेलना चाहिए। ठीक, तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपको इससे सफर होना पड़ रहा है, मतलब इस डैम के बनने की वजह से आपको मुश्किल है, आप मुश्किल में पड़ रहे हैं, तो आप देश के लिए कर रहे हैं। ठीक, मतलब एक तरह से देश हित में आप काम कर रहे हैं। ठीक, ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हीराकुंड डैम जब बन रहा था तब। ठीक, इफ यू आर टू सफर यू शुड सफर इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। अगर आप जो है आपको इससे मुश्किल हो रही है तो आपको इससे अगर परेशानी हो रही है तो आप देश के लिए परेशान हो। यदि आपको भुगतान है भुगतना है तो आपको देश के हित में भुगतना चाहिए। ठीक, तो जो डैम की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, जो लोग विस्थापित हो रहे थे बांध की वजह से, तो वो लोग बहुत गुस्से में थे, तो उनको संबोधित करते वक्त जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि आपको भुगतना तो पड़ रहा है, इस बांध की वजह से आपको भुगतना तो पड़ रहा है, लेकिन आप देश हित में भुगत रहे हैं। ठीक, तो देश हित में थोड़ा बहुत भुगतना जरूरी है। ठीक, देश हित के लिए थोड़ा बहुत भुगतना जरूरी है, ये जवाहरलाल नेहरू ने उन विलेजर्स से कहा था जो हीराकुंड डैम की वजह से, हीराकुंड बांध की वजह से जो लोग विस्थापित हो रहे थे, डिस्प्लेस हो रहे थे। ठीक, तो आपसे कोटेशन भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि इफ यू आर टू सफर यू शुड सफर इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, ये किसका कोटेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जवाहरलाल नेहरू का। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डेवलपमेंट की वजह से कौन से डिस्प्लेसमेंट होते हैं, विकास प्रेरित विस्थापन कौन कौन से होते हैं। सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडिया की इंडिपेंडेंस से लेकर ही 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद से ही द फ्लिप साइड ऑफ डेवलपमेंट हैज डिस्प्लेस्ड मोर देन 42 मिलियन पीपल इन द कंट्री। तो डेवलपमेंट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इंडिया में, तकरीबन 42 मिलियन लोग जो है वो कंट्री में डिस्प्लेस हो चुके हैं, तकरीबन 42 मिलियन लोग जो है कंट्री में डिस्प्लेस हो चुके हैं। 1947 में भारत की जनसंख्या के बाद से विकास के दूसरे पक्ष में, मतलब विकास का तो एक पक्ष है कि विकास हो रहा है देश का, लेकिन उसका एक दूसरा हिस्सा भी है, दूसरा पहलू भी है, उस पहलू में आप क्या देखते हैं कि तकरीबन 42 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो विस्थापित हुए, जो भी विकास के प्रोजेक्ट हैं उसकी वजह से तकरीबन 42 मिलियन से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। तो एक तरफ तो विकास हो रहा है, कंट्री का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से तकरीबन 42 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा है, 42 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ठीक, अब कुछ फिल्म रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट है वो आपको देखनी चाहिए, मस्ट है देखना, वो शॉर्ट फिल्म है, मतलब 2 घंटे की मूवी नहीं है, तो हो सकता है आपको मूवी देखना पसंद हो, तो मैं ये 3-4 फिल्म है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा देखने के लिए और देखना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट होते हैं और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है इसमें डूम्ड बाई डिस्प्लेसमेंट, अ शॉर्ट फिल्म ऑन द डिस्प्लेस अफेक्टेड बाई द हीराकुंड डैम की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए थे उनके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है डूम्ड बाई डिस्प्लेसमेंट। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, डूम्ड बाई गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा डूम्ड बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अ शॉर्ट फिल्म ऑन द डिस्प्लेस अफेक्टेड बाई द हीराकुंड की वजह से जिनको डिस्प्लेस होना पड़ा था उनके ऊपर ये शॉर्ट फिल्म
बनाई गई थी जिसका नाम था डूम बाय डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन से बर्बाद। ठीक, हीराकुंड बांध से प्रभावित विस्थापितों और विस्थापितों पर एक लघु फिल्म, ये एक लघु फिल्म है। ठीक, डूम बाय डिस्प्लेसमेंट ही उसका नाम है हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन फिल्म का नाम है तो ट्रांसलेट नहीं कर सकते उसको। और ये हीराकुंड बांध के बारे में, हीराकुंड बांध जो बन रहा था उसकी वजह से जो विस्थापन हुआ है उस पर ये फिल्म बनाई गई है। तो ये आप लोग देखें तो ज़्यादा बेहतर, देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने में आपको थोड़ा सा अच्छी समझ होती है, आपको समझ में आता है कि हाँ मतलब किस तरह से चीज़ें होती हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से या मतलब बुक पढ़ने से ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती उतनी अच्छी तरीके से, अगर आप देखेंगे लाइफ की क्या कैसे होता है। ठीक, तो उससे आपको चीज़ें ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, 2-3 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है, फिर मैं पूछूंगा आपसे इस फिल्म के बारे में। ठीक, नर्मदा डायरी, नर्मदा डायरी एक फिल्म है, ये भी डॉक्यूमेंट्री है बाय आनंद पटवर्धन। ठीक, नर्मदा डायरी एक डॉक्यूमेंट्री है आनंद पटवर्धन की। ठीक, तो कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि नर्मदा डायरी जो है ये किसकी मतलब डॉक्यूमेंट्री है, किसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाया था, तो ये आनंद पटवर्धन ने बनाया था, ये भी देखना आपको जरूर है। ठीक, एक नर्मदा डायरी आनंद पटवर्धन द्वारा वृत्त चित्र है। ठीक, वृत्त चित्र मतलब उसको वो रियलिटी में होता है, डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। ठीक, नर्मदा डायरी डॉक्यूमेंट्री बाई आनंद पटवर्धन, तो ये भी देखना जरूरी है आपको। फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरी फिल्म है, फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिस्प्लेसमेंट अ शॉर्ट फिल्म ऑन द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बर्गी डैम, बर्गी डैम जो मध्य प्रदेश में बनाया गया था उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उस पर भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिस्प्लेसमेंट, विकास से विस्थापन तक बर्गी बांध मध्य प्रदेश के कारण हुई विस्थापन पर एक लघु फिल्म। ठीक, तो मध्य प्रदेश में एक बांध बनाया जा रहा था जिसका नाम है बर्गी बांध। ठीक, उस बर्गी बांध की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जो विस्थापन हुआ था, उस पर एक फिल्म बनाई। अब यहाँ पे देखिए, विस्थापन की जितना बात हो रही है सब में डैम की बात है, इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा विस्थापन जो है वो बांध की वजह से होता है, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जो है वो बांध की वजह से ही होता है। ठीक, तो ये सारी फिल्म आपको देखना जरूरी है। ठीक, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, शॉर्ट फिल्म है इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। डैम फॉर इरीगेशन एंड हाइड्रो पावर आर अ मेजर कॉज ऑफ सच फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डैम है इरीगेशन के लिए जो डैम बनाए जाते हैं या हाइड्रो पावर के लिए जो डैम बनाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा मेजर कारण होता है किसका, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। मजबूरन लोगों को डिस्प्लेस होना ही पड़ता है। ठीक, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट का सबसे ज़्यादा मेजर काज होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डैम की वजह से सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, डैम फॉर इरीगेशन एंड हाइड्रो पावर्स आर अ मेजर कॉज ऑफ सच फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये सब मेजर कॉज हैं ऐसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट। सिंचाई और पनबिजली के लिए बांध इस तरह के जबरन विस्थापन का एक प्रमुख कारण। ठीक, तो बांध जो है जबरन विस्थापन का एक प्रमुख कारण है। और बांध किस लिए बनाए जाते हैं, सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं, बांध पनबिजली के लिए बनाए जाते हैं यानी कि बिजली बनाने के लिए। ठीक, जिसको हाइड्रो पावर कहा जाता है या हिंदी में पनबिजली कहा जाता है, पानी से जो बिजली वगैरह बनाई जाती है, टर्बाइन वगैरह डाल के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि डैम की वजह से, बांध की वजह से सबसे ज़्यादा विस्थापन होता है, सबसे ज़्यादा डैम की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ओवर अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन पीपल ईच ईयर आर फोर्स टू लीव देयर होम्स फॉलोइंग बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं उनकी वजह से पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन 15 मिलियन पीपल यानी कि 150 लाख लोग जो है हर साल उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। ठीक, हर साल अपना घर उनको छोड़ना पड़ता है खाली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक साइड इफेक्ट भी होते हैं और ये बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है कि लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। ठीक, तो पूरे दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन 15 मिलियन लोग जो है हर साल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से अपना घर छोड़ के डिस्प्लेस होते हैं। ठीक, दुनिया भर में हर साल लगभग 15 मिलियन लोग बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर है। ठीक, तो विकास तो हो रहा है लेकिन विकास का एक दूसरा पहलू ये भी है कि लोगों को अपना घर छोड़ने पे भी मजबूर किया जाता है। ठीक, तो अपना घर छोड़ने के लिए लोग दुनिया भर में हर साल तकरीबन
15 मिलियन लोग जो है ऐसे जो विकास परियोजनाएं हैं, विकास के जो कार्य हैं उनकी वजह से जो है तकरीबन 15 मिलियन लोग जो है वो अपना घर छोड़ने पे मजबूर है हर साल। द वर्ल्ड बैंक हैज पुट द नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द फ्रक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट इन वेस्ट बंगाल। एक वेस्ट बंगाल में सुपर थर्मल पावर प्लांट बनाया गया था, ठीक। वर्ल्ड बैंक ने इसमें जितने लोग डिस्प्लेस हुए थे उनके नंबर बताए, ठीक। द वर्ल्ड बैंक हैज पुट द नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द फ्रक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट इन वेस्ट बंगाल एज 63,325। तो तकरीबन 63,325 लोग जो है इसमें इसकी वजह से डिस्प्लेस हुए थे, ठीक। तो द वर्ल्ड बैंक हैज पुट द नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस बाय द फ्रक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट इन वेस्ट बंगाल एज 63,325 व्हाइल इंडियन गवर्नमेंट फिगर सजेस्ट दैट नो वन वाज डिस्प्लेस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का एक एक पॉलिसी, एक मतलब इसमें पॉलिटिकल एजेंडा होता है, एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से वो नंबर नहीं शो करता। तो वर्ल्ड बैंक ने शो किया कि 63,325 लोग जो है डिस्प्लेस हुए सिर्फ फ्रक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट की वजह से जो वेस्ट बंगाल में बनाया गया, ठीक। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि कोई भी डिस्प्लेस नहीं हुआ इसकी वजह से कोई भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, ठीक। जबकि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 63,325 लोग डिस्प्लेस हुए। तो कभी कभी जो है नंबर जो है वो छुपाया भी जाता है, कितने लोग जो है उसकी वजह से डिस्प्लेस हो रहे हैं वो नंबर भी छुपाया जाता है। ये राजनीतिक कारण होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से ऐसा होता है। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में फ्रक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट द्वारा विस्थापित लोगों की संख्या 63,325 बताई है, जबकि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कोई भी विस्थापित नहीं हुआ, ठीक। तो भारत सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं कि इस फ्रक्का सुपर थर्मल पावर की वजह से कोई भी व्यक्ति विस्थापित नहीं हुआ है। लेकिन विश्व बैंक क्या कहता है कि 63,325 लोग विस्थापित हैं, ठीक। तो कुछ राजनीतिक कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग आंकड़े नहीं बताना चाहते, ठीक। उस वक्त की जो सरकारें थी वो आंकड़े नहीं बताना चाहती थी, इसी वजह से जो है वर्ल्ड बैंक ने इसका आंकड़ा बताया कि 63,325 लोग डिस्प्लेस हुए थे, जबकि जो भारत की सरकार है वो कहती है कि कोई भी डिस्प्लेस नहीं हुआ। Most displaced person are assetless rural people like landless laborers and small land marginal farmer. Gandhi's last man. तो जिनका सबसे ज्यादा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ऐसे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिनके पास जो है असेटलेस है, मतलब जिनके पास संपत्ति नहीं है, कुछ भी संपत्ति नहीं है, वो गरीब लोग हैं, ठीक। जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लोग हैं, ठीक। लैंड नहीं है, लैंडलेस लोग हैं, ठीक। तो मोस्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन आर असेटलेस रूरल पीपल लाइक लैंडलेस लेबरर्स, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं या स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, उन सब का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हुआ। अब इन सबको गांधी ने लास्ट मैन कहा, जो ये गरीब लोग हैं जिनके पास लैंड वगैरह नहीं होता है, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं होती है, जो बहुत छोटे फार्मर होते हैं, उनको गांधी ने लास्ट मैन कहा है। और इन्हीं लोगों का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हुआ था फ्रक्का थर्मल पावर प्लांट की वजह से, फ्रक्का जो है सुपर पावर प्लांट की, ठीक, सुपर थर्मल पावर प्लांट की वजह से। अधिकांश विस्थापित व्यक्ति संपत्तिहीन ग्रामीण गरीब हैं। तो इससे जो विस्थापन हुआ है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, डैम वगैरह से जो विस्थापन होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, संपत्तिहीन ग्रामीण का होता है, जैसे भूमिहीन मजदूर हैं या छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी कि जो बहुत छोटे किसान हैं, जो बहुत ज्यादा मार्जिनल फार्मर हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा विस्थापन होता है, जिसको गांधी जी ने अंतिम आदमी कहा, ठीक। तो इनको कहा है अंतिम आदमी, और गांधी जी ने कहा था कि जब तक जो है लास्ट मैन का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक जो है डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो लास्ट मैन को फोकस करना होगा, ठीक। तो अंतिम आदमी को फोकस करना होगा तो अगर आपको विकास करना है, और इन्हीं का विकास की वजह से सबसे ज्यादा विस्थापन, ठीक।
और इन्हीं का विकास की वजह से सबसे ज्यादा विस्थापन हुआ। और गांधी जी ने कहा था कि इन्हीं का सबसे ज्यादा विकास किया जाना चाहिए, तभी कंट्री का विकास हो सकता है, नहीं तो कंट्री का विकास नहीं होगा। The tribals who comprises 8.08% of India's population are estimated to be more than 40% of the displaced population. Dalit constitute 20% of the displaced population. So India में जो tribal population है, total population, India की जो total population है उसका 8.08% population जो है वो tribal population है। और तकरीबन जितने लोग displaced होते हैं हर साल development project की वजह से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से जिनका डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें 40% ट्राइबल्स होते हैं, ठीक, उसमें 40% ट्राइबल्स होते हैं और तकरीबन 20% जो है वो दलित पॉपुलेशन है। तो किसका हो रहा है, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उन्हीं का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक, जिनके पास संपत्ति नहीं है उन्हीं का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इंडिया की पॉपुलेशन का 8.08% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन अगर टोटल डिस्प्लेस पॉपुलेशन की बात किया जाए तो तकरीबन 40% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल्स की है और 20% पॉपुलेशन जो है वो किसकी है, वो दलित की है। तो 60% ये हो गए, बाकी जो है, बाकी जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है बाकी सारे लोग 40% में आते हैं। भारत की जो आबादी है उसका 8.08% हिस्सा रखने वाले आदिवासी को विस्थापित आबादी का 40% से अधिक होने का अनुमान। तो ये माना जाता है कि भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 8.08% जो है वो आबादी जो आदिवासी है उनका है, लेकिन जो विस्थापित आबादी है अगर उसकी बात किया जाए तो 40% आबादी ऐसी है जो आदिवासियों की आबादी, 40% विस्थापित आबादी ऐसी है जो आदिवासी की आबादी है और 40% ऐसी और 20% ऐसी है विस्थापित आबादी है जो दलितों की, ठीक, 20% जो है विस्थापित आबादी जो है वो दलितों की आबादी है। तो ये 7% आबादी जो है, 60% आबादी जो है वो सिर्फ आदिवासी और दलित मिलाकर ही विस्थापित हो रहा है, ठीक, और बाकी जो जिन लोगों का विस्थापन हो रहा है वो 40% में सारे लोग आ जाते हैं, ठीक। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो गरीब लोग हैं या जो मतलब जिनके पास संपत्ति वगैरह नहीं है, असेट्स नहीं है, उनका सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक, उन्हीं का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से। In August 2013, the Government of India came up with a Comprehensive Land Acquisition and Resettlements and Rehabilitation Act 2013. तो हमने पढ़ा है एक एक्ट पास हुआ था Resettlement and Rehabilitation Act 2013 कि कोई भी अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, कोई भी अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट पास होता है उससे जो आबादी डिस्प्लेस हो रही है उनके लिए एक रीसेटलमेंट का प्रोग्राम किया जाएगा और एक रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी बनाई जाएगी, उनके रीसेटलमेंट्स के लिए और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। ये एक्ट पास हुआ था 2013 में जिसको लार भी कहा जाता है, ठीक, लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट, ठीक, इसको लार भी कहा जाता है, ठीक। ये एक्ट पास हुआ था 2013 में कि अब से जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होंगे उसकी वजह से अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके डिस्प्लेस उनके रीसेटलमेंट के लिए और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए आपको फंड पास करना पड़ेगा, उनका इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक। ये एक्ट पास हुआ था 2013 अगस्त 2013 में भारत सरकार एक व्यापक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम 2013 लेकर आए। तो पुनर्वास अधिनियम 2013 पास किया गया था जिसमें भूमि का जो अधिग्रहण है यानी कि जिस भूमि पर आप करेंगे उसका अधिग्रहण करना पड़ेगा, उसका अधिग्रहण से रिलेटेड और उनके पुनर्वास से रिलेटेड जो भी उनके पुनर्वास से रिलेटेड अधिनियम पास हुआ था कि अगर कोई भी विकास का परियोजनाएं पास होती हैं तो उसके साथ आपको ये भी पास करना पड़ेगा कि जो भी लोग उससे विस्थापित हो रहे हैं उस विकास परियोजनाओं से जो भी लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके पुनर्वास का भी इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले उनके पुनर्वास का इंतजाम करना है, उसके बाद जो है आप उस पर विकास की परियोजनाएं जो है वो लागू कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो लैंड एक्विजिशन होता है उसका जो जो कंपनसेशन होता है वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है, ठीक।
उसकी कीमत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है जिसकी वजह से आपका आपकी ज़मीन उसमें जा रही है, इसके बदले में आपको पैसे बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि आप जो है रीसेटलमेंट का अपना इंतजाम कर पाए। तो यह एक्ट पास हुआ था, यह अधिनियम पास हुआ था 2 अगस्त 2013 में। आज कंप्लीट हो जाएगा ये यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे। 3 यूनिट हम लोग की बचेगी, हम लोग 30 अक्टूबर तक कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट प्रोवाइड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एंड कम्बाइंस इट विद लैंड एक्विजिशन सो द फार्मर डज नॉट गेट नेग्लेक्टेड। ठीक, तो ये एक्ट जो है रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, कि मतलब अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उनका अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको उनके रिहेबिलिटेशन के लिए उनके रिसेटलमेंट का इंतजाम किया जाएगा। और जो लैंड एक्विजिशन है वो भी इस एक्ट में जुड़ा हुआ है। ठीक, रिसेटलमेंट जो है वो भी इस एक्ट में जुड़ा हुआ है ताकि मतलब जो आपका लैंड एक्विजिशन होगा उसका जो है उसका मुआवजा दिया जाए, आपको उसका कंपनसेशन दिया जाए ताकि जो फार्मर हैं उनको निगलेक्ट ना किया जाए। ठीक, जो फार्मर हैं उनका निगलेक्ट उनको ना निगलेक्ट किया जाए। ठीक, एक तो आपकी आबादी जो है आपने उसको रिहेबिलिटेट कर दिया, उनको रिसेटलमेंट उनका इंतजाम कर दिया। ठीक, लेकिन जिन लोगों की ज़मीनें हैं, फार्मर की ज़मीनें हैं वहाँ पर, ठीक, तो अगर लैंड एक्विजिशन का एक्ट नहीं पास होता तो फार्मर को निगलेक्ट कर दिया जाता, क्योंकि ज़मीनों से मतलब था नहीं, लोगों से मतलब था, लोगों को हमने रिसेटल कर दिया। लेकिन ये इसमें ये जोड़कर लैंड एक्विजिशन जोड़कर ये तय किया गया, ये सुनिश्चित किया गया कि जो फार्मर हैं उनको उनका उनको निगलेक्ट ना किया जाए। ठीक, अधिनियम पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है। तो जो अधिनियम है वो क्या है, पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है और भूमि अधिग्रहण के साथ जोड़ता है ताकि पूर्व की अपेक्षा ना हो। ठीक, ताकि जो फार्मर है पूर्व नहीं होगा यहाँ पे, ताकि किसान की अपेक्षा ना हो। ठीक, किसान को जो है उनको निगलेक्ट ना किया जाए, उनको नज़रअंदाज ना किया जाए। ठीक, तो जो अधिनियम है वो क्या करता है, जो भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है, यानी कि अगर जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं जहाँ पे विकास परियोजनाएँ हो रही हैं उनके पुनर्वास के लिए और उनके पुनर्स्थापन का इंतजाम किया जाना चाहिए। और भूमि अधिग्रहण को इस एक्ट के साथ इसलिए जोड़ा गया था ताकि जिन किसानों की ज़मीनें हैं उनको नज़रअंदाज ना किया जाए, उनको उसका मुआवजा दिया जाए। तो भूमि अधिग्रहण को इसके साथ इसी वजह से जोड़ा गया था, क्योंकि अगर सिर्फ ये जो है पुनर्वास और पुनर्स्थापन का होता तो जो लोग वहाँ रहते थे उनका ही पुनर्वास और पुनर्स्थापन कर दिया जाता, ज़मीनों से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए इसमें भूमि अधिग्रहण भी जोड़कर ये सुनिश्चित किया गया कि किसानों का इसमें नुकसान ना हो। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन क्या है। कम्युनिटी बेस्ड प्रिपार्डनेस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम हेल्प इन सेविंग लाइव्स, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक लॉसेस। तो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, ये ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट होता है जो डिजास्टर से रिलेटेड पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक, रिसेंटली आपने देखा होगा डिजास्टर से लेकर गवर्नमेंट हमेशा मतलब लोगों को बचाने की कोशिश करती है, डिजास्टर जो भी होते हैं उससे बचाने की। ठीक, रिसेंटली आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पे एक वार्निंग मैसेज आया था, ठीक, वो एक ट्रायल चल रहा है कि अगर इन केस कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमको वार्निंग देना है लोगों को डिजास्टर से रिलेटेड, ठीक, या कोई भी इमरजेंसी से रिलेटेड, तो उसका ट्रायल चल रहा है। इसी वजह से आपके स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आपके एक वार्निंग मैसेज रिसेंटली आया होगा। ठीक, तो ये सब ट्रायल चल रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन कभी आती है तो हम एक मैसेज के जरिए लोगों को पहले से ही बता देंगे कि इस एरिया में इस तरह का मतलब इस तरह की इमरजेंसी आने वाली है, इस तरह का डिजास्टर आने वाला है। तो गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया था जिसका मकसद क्या था कि लोगों को पहले से वार्निंग दी जाए ताकि वो अपनी लाइफ को बचा सकें ऐसे डिजास्टर से, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी को बचा सकें, क्योंकि प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिनको ले जा सकते हैं जगह से दूसरे जगह। अगर आपको पहले से इंफॉर्मेशन हो जाए किसी डिजास्टर के बारे में तो आप अपनी प्रॉपर्टी को भी बचा सकते हैं। एंड रिड्यूसिंग इकोनॉमिक लॉसेस, और जो भी इकोनॉमिक लॉस होने वाला था उससे भी लोगों को बचाया जा सकता है। समुदाय आधारित तैयारी और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ जान बचाने, संपत्ति की रक्षा करने और आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद करती है। तो जो भी समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन है और समुदाय आधारित जो तैयारियां हैं वो लोगों को पहले से ही चेतावनी देती हैं
ठीक जो भी आपदा आने वाली होती है उसके बारे में ठीक। और इससे क्या होता है, लोगों बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है, अचानक आपदा आए तो लोग अपनी जान नहीं बचा पाते ठीक। तो इससे लोगों की जान भी बच जाती है, लोगों की संपत्ति की भी रक्षा हो जाती है और उनका आर्थिक नुकसान जो है वो कम से कम होता है। उनका आर्थिक नुकसान भी कम से कम होता है ठीक। अ कम्युनिटी लेवल फोकस हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। जो कम्युनिटी लेवल है वो जो भी वल्नरेबल सेक्शन है यानी कि उस डिजास्टर से किनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा उनको आइडेंटिफाई करती है ठीक। समुदाय स्तर पर ध्यान केंद्रित करने से कमजोर वर्गों की पहचान में मदद मिलती है। जो कमजोर वर्ग हैं उनकी पहचान यानी कि उस आपदा की वजह से किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा इसकी पहचान करने में मदद मिलती है अगर आप समुदाय स्तर पर इस तरह की योजनाएं चलाते हैं ठीक। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रमोट्स अ बॉटम अप अप्रोच वर्किंग इन हार्मनी विद द टॉप डाउन अप्रोच टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। तो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट अप्रोच जो होता है वो क्या करता है, प्रमोट्स बॉटम अप अप्रोच। तो ये बॉटम अप अप्रोच को प्रमोट करता है यानी कि जो निचले स्तर पे लोग हैं उनकी भी देखरेख करता है, वर्किंग इन हार्मनी विद द टॉप डाउन अप्रोच ठीक। ये किसके साथ करता है, काम करता है टॉप डाउन अप्रोच के साथ टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, ताकि जो भी चैलेंजेस हैं और डिफिकल्टीज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन चुनौतियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए नीचे से ऊपर से दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर क्या है, ऊपर से नीचे मतलब कि जो टॉप पे लोग हैं यानी कि जो कम वल्नरेबल हैं, जो जिनको मतलब कम उसमें दिक्कत होने वाली है उस आपदा की वजह से, वो उनका डेवलपमेंट ऊपर से नीचे तक का डेवलपमेंट और नीचे से ऊपर तक का डेवलपमेंट, जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है या बहुत ज्यादा टॉप पे ठीक। तो अगर आप समुदाय लेवल पे करते हैं तो दोनों को एक साथ लेकर आप चल सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था 2005 ठीक। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था 2005 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मिटिगेशन विद द सपोर्ट ऑफ लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ठीक। तो ये क्या करता है, इस एक्ट से क्या होता है, ये एक्ट जो है कम्युनिटी लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस प्रोवाइड करता है कि जो भी डिजास्टर आएंगे उससे कैसे बचा जाएगा या कैसे जो है उससे रिलेटेड अवेयरनेस, अवेयर रहना ठीक है लोगों, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर से बचने के लिए, आर मिटिगेशन विद द सपोर्ट ऑफ लोकल अथॉरिटीज। कोरोना के टाइम पे आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर आता है, तब ये ज़्यादा एक्टिव होता है ठीक। डिजास्टर और मिटिगेशन विद द सपोर्ट ऑफ लोकल अथॉरिटीज, तो ये लोकल अथॉरिटीज के सपोर्ट से लेकर ये प्रोग्राम चलाते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल होते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ये स्थानीय अधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदा या न्यूनीकरण की रोकथाम के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम को सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये लोग जो है समुदाय लेवल पे प्रशिक्षण प्रोवाइड करते हैं और समुदाय लेवल पे जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं ठीक। और इसमें बहुत सारे स्थानीय अधिकारी शामिल होते हैं, बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी संगठन शामिल होते हैं ताकि आपदा की रोकथाम की जा सके। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसी के बारे में था। इट इंकरेजेस द पार्टिसिपेंट ऑफ एनजीओस एंड वॉलंटरी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये ज्यादातर एनजीओ वगैरह को इंकरेज करता है या ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं। आपने देखा होगा जब भी डिजास्टर आता है तो लोग जो है रिलीफ कैंप वगैरह लगा के चलाते हैं, ये सब कौन है, ये एनजीओस वाले लोग होते हैं या एक्टिविस्ट लोग होते हैं, तो इनको जो है ये एक्ट इंकरेज करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इस तरह के काम करें। ये आपदा प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन, संगठनों और स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ये उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो आपदा के टाइम पे लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो या स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठन, उनको
उनको प्रोत्साहित करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आपदा के टाइम पे लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें। ठीक। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 में पास हुआ था। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इट लेस स्पेशल इम्फेसिस ऑन कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस। ठीक। तो ये पॉलिसी किस लिए थी? ताकि कम्युनिटी बेस्ड पे डिजास्टर के लिए लोगों को प्रिपेयर किया जाए। ठीक। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 जिसको NPDM भी कहा जाता है, ये समुदाय आधारित आपदा तैयारी पर विशेष जोर थी। तो ये जो है किस चीज के लिए थी ये नीति? ये समुदाय आधारित यानी कि समुदाय के लेवल पर लोगों को आपदा के लिए तैयार करने की एक नीति। समुदाय लोग समुदाय के लेवल पे लोगों को तैयार करना। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना NDMP 2016, अपडेटेड इन 2009 और इसको फिर अपडेट किया गया 2019। द प्लान वॉज फर्स्ट रिलीज इन 2016, पहले इसको 2016 में रिलीज किया गया था। एम्ड एट मेकिंग इंडिया डिजास्टर रेजिलिएंट, इसका एम क्या था कि इंडिया को डिजास्टर से बचने लायक बनाएगा, मतलब ये डिजास्टर रेजिलिएंट होगा यानी कि डिजास्टर से बचने के लिए हमेशा तैयार रहे। एंड रिड्यूसिंग द डैमेज ड्यू टू एनी डिजास्टर, और किसी भी डिजास्टर की वजह से जो भी डैमेज हो रहे हैं उससे उसको कम किया जाए, नेचुरल और मैन मेड, चाहे वो डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर हो चाहे मैन मेड डिजास्टर हो, उनकी वजह से जो भी डैमेज हो रहा है उसको कम से कम किया जाए, इस प्लान का यही मकसद। ठीक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP 2016 में बनी थी, जिसको 2019 में अपडेट किया गया था। योजना को पहली बार 2016 में जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत को आपदा के लिए लचीला बनाना, मतलब आपदा के लिए ऐसा बना देना कि आपदा से इनको कोई फर्क ना पड़ता। ठीक। सारे लोग तैयार रहे आपदा के, और किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के कारण होने वाले नुकसान को कम करना। ठीक। और किसी भी आपदा से जो भी नुकसान हो रहे हैं उसको कम करना, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो चाहे मानव निर्मित आपदा हो, कोई किसी भी तरह की आपदा हो उसके जो नुकसान है उसको कम करने की भी ये एक योजना है। ठीक। उसके बाद आता है द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इन सबसे क्या आता है, आपसे नाम पूछा जाता है किसने चलाया था, कौन से ईयर में चला था। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं दिया हूँ। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड दैट बिगन इन 1970s। तो इसका पीरियड कब से शुरू होता है? 1970s से शुरू होता है, ड्यूरिंग विच एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज कन्वर्टेड इन टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर था इंडिया में उसको मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया था, यानी कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था बाई एडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन के जरिए, इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति एक ऐसी अवधि थी जो 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जिसके दौरान भारत ने कृषि को प्रौद्योगिकी को अपनाकर एक आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया गया। तो जो कृषि है उसको प्रौद्योगिकी को अपनाकर, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाकर आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में बदल दिया गया था, और इसमें जो है कृषि में एक क्रांति आई। ठीक। प्रोडक्शन में उत्पाद बहुत ज़्यादा होने लगा था, ठीक, इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। Such as the use of high yielding variety HYV, ठीक, high yielding variety की जो seeds थी उसका use होने लगा था। Mechanized farm tools, अलग अलग मशीन आ गई थी जिसके जरिए जो है खेती की जा रही थी। Irrigation facilities बहुत ज़्यादा develop हो गई थी, pesticides and fertilizers वगैरह develop हो गए थे, जैसे कि उच्च उपज वाले किस्म के बीज, मशीनीकृत कृषि उपकरण, अलग अलग मशीनीकृत कृषि उपकरण बन गए थे। सिंचाई सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई थी उस वक्त, कीटनाशकों का उपयोग और उर्वरक, ये सारी चीज़ें जो है हरित क्रांति में होने लगी। द फिगर हु ब्रॉट दिस रिवॉल्यूशन टू इंडिया डोअर स्टेट वाज डॉक्टर MS स्वामीनाथन। किसने ये हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया था? वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनको जो है फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है। तो
तो डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इस क्रांति को भारत के दरवाजे तक लाने वाली शख्सियत, मतलब भारत में इस क्रांति को किसने लाया था, जिसको जो है भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है, वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक, MS स्वामीनाथन। द व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। इन 1970 इंडिया सेट इन मोशन द व्हाइट रिवोल्यूशन। 1970 में इंडिया का व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, 1970 में भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, श्वेत क्रांति आई थी। द वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे क्या हुआ था, वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, और इसको किसने लीड किया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसको लीड किया। 1970 में भारत ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास का कार्यक्रम श्वेत क्रांति को गति दी। ऑपरेशन फ्लड नाम से ये चला था, जो श्वेत क्रांति है उसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। एज इट इज अदरवाइज नोन, ट्रांसफॉर्म द डेयरी डेफिशिएंट नेशन इनटू द ग्लोबल लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन। पहले जो है इंडिया डेयरी डेफिशिएंट नेशन था, मतलब यहाँ पे डेयरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट थे वो उसकी बहुत कमी थी। ठीक, और श्वेत क्रांति की वजह से, व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से ये ग्लोबल लीडर बन गया मिल्क प्रोडक्शन। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जैसा कि इसे अन्यथा जाना जाता है। डेयरी की कमी वाले देश थे, मतलब कि एक ऐसा देश था जिसमें डेयरी की कमी, दूध, ये सब डेयरी क्या है, दूध से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको डेयरी प्रोडक्ट माना जाता है, तो डेयरी प्रोडक्ट की कमी इंडिया में थी, भारत में थी। ठीक, और श्वेत क्रांति की वजह से क्या हुआ, ये दूध उत्पादन का वैश्विक नेता में बदल गया, मतलब वैश्विक लेवल पर ये दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा करने लगा। नेक्स्ट आता है ब्लू रेवोल्यूशन, यानी कि नीली क्रांति। ब्लू रेवोल्यूशन आल्सो कॉल्ड एज नील और नीली क्रांति। ठीक, नील क्रांति या नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मिशन इन इंडिया वॉज लॉन्च इन 1985 टू 1990, ये 1985 से 1990 तक चला था ये। ठीक, ड्यूरिंग द सेवन्थ फाइव ईयर प्लान के टाइम पे ये चालू किया गया। भारत में नीली क्रांति, जिसे नील या नीली क्रांति के मिशन भी कहा जाता है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 से 1990 में शुरू की गई। अब ये ब्लू क्रांति क्या है, द ब्लू रेवोल्यूशन रिफर्स टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर सेक्टर इन इंडिया। एक्वाकल्चर सेक्टर मतलब जो पानी में रहने वाली चीज़ें हैं उनकी खेती, जैसे फिशिंग हो गया, ये सब जो है ब्लू रेवोल्यूशन नाम है। द ब्लू रेवोल्यूशन रिफर्स टू द रैपिड एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एक्वाकल्चर सेक्टर इन इंडिया। नीली क्रांति भारत में जलीय कृषि क्षेत्र के तेजी से विस्तार और आधुनिकरण को संदर्भित करता है। जलीय क्षेत्र के तेजी से विस्तार, जलीय कृषि क्षेत्र के तेजी से विस्तार और आधुनिकरण को संदर्भित करता है। फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन डॉक्टर हीरालाल चौधरी। तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी जो है इसके ब्लू रिवोल्यूशन के फादर थे। फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन डॉक्टर हीरालाल चौधरी pioneering a work in induced breeding played a pivotal role in igniting the blue revolution in India fisheries industry. So fisheries industries में ये सबसे ज़्यादा important role अदा करते हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी। किसके जरिए, breeding के जरिए। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी के प्रेरित प्रजनन में अग्रणी कार्य ने भारत के मत्स्य पालन उद्योग में नीति नीली क्रांति को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो फिशरीज की इंडस्ट्री थी, जो मछलियों की इंडस्ट्री थी, उसमें इन्होंने प्रेरित प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग के जरिए, प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग के जरिए इन्होंने एक नई क्रांति लाई थी, जिसको नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसके फादर जो है वो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी। गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्णिम क्रांति क्या होती है। द पीरियड बिटवीन 1991 टू 2003 इज नोन एज द पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो गोल्डन रेवोल्यूशन इंडिया में कब से कब तक चला, 1991 से 2003 तक। ठीक, गोल्डन रेवोल्यूशन था क्या, द गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर। हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। ठीक, 1991 से 2003 तक का समय
भारत में स्वर्णिम क्रांति का काल कहा जाता है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन और बागवानी से है। ये गोल्डन रिवोल्यूशन, स्वर्णिम क्रांति, इट इज अ पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ था, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन का एक पार्ट है। निरपेक्ष टुटेज इज कंसिडर टू बी द फादर ऑफ द गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो निरपेक्ष टुटेज है ये फादर थे गोल्डन रिवोल्यूशन इंडिया। ये भारत के महत्वपूर्ण कृषि क्रांति का एक हिस्सा है। निरपेक्ष टुटेज को भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक माना जाता है। ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये सारी क्रांतियां जो है ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो निरपेक्ष टुटेज को ही भारत का स्वर्णिम क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है द पिंक रिवोल्यूशन। लास्ट ही है ना, येलो है, ठीक। तो पिंक रिवोल्यूशन क्या है, गुलाबी क्रांति क्या है? द पिंक रिवोल्यूशन इन इंडिया हैज ब्रॉट सेवरल चेंजेस टू द इंडियन मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह, इन सब में जो है पिंक रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा चला, गुलाबी क्रांति। भारत में गुलाबी क्रांति ने भारतीय मांस प्रसंस्करण उद्योग में कई बदलाव लाए, ठीक। तो जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, मांस प्रसंस्करण उद्योग जो थे, उसमें एक क्रांति आई थी जिसको गुलाबी क्रांति या पिंक रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इंट्रोड्यूस बैक इन 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। द रिवोल्यूशन इंश्योर्ड दैट द कंट्री कुड यूटिलाइज इट्स फुल पोटेंशियल टू इम्प्रूव लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मीट प्रोसेसिंग। मीट प्रोसेसिंग और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इसको अपनी पोटेंशियल को इम्प्रूव किया गया, मतलब कि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था 2014 में, जिसको पिंक रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता। 2014 में शुरू की गई क्रांति ने यह सुनिश्चित किया कि देश पशुधन उत्पादन और मांस प्रसंस्करण में सुधार के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेगा। मतलब जो मांस प्रसंस्करण है या पशुधन उत्पादन है, इसमें जो है अपनी क्षमता का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उत्पादन करेगा। ये 2014 में ये क्रांति आई थी, जिसको क्या कहेंगे, गुलाबी क्रांति कहा जाता है, ठीक। दुर्गेश पटेल इज नोन एज द फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन। दुर्गेश पटेल को ही फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन माना जाता है। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है येलो रिवोल्यूशन। ये लास्ट रिवोल्यूशन है, पीली क्रांति। द रिवोल्यूशन लॉन्च इन 1986 to 1987। ये 1986 से 1987 तक चला। ये किसके बारे में था, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। जो एडिबल ऑयल हैं, यानी कि जो खाने वाले ऑयल हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, स्पेशली मस्टर्ड, खासतौर से जो मस्टर्ड ऑयल होते हैं, एंड सीसेम सीड्स। अचीव सेल्फ रिलायंस इज नोन एज द येलो रिवोल्यूशन, ठीक। तो सीसेम सीड्स या मस्टर्ड्स की सीड्स से जो ऑयल निकलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जिसको येलो रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए खाद्य तेल, यानी कि जो खाए जाने वाले तेल थे, उसको बढ़ावा दिया गया, विशेष करके सरसों और तिल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। 1986 से 1987 में शुरू की गई क्रांति को पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो पीली क्रांति किससे रिलेटेड है, ऑयल से, ठीक। सैम पित्रोदा इज नोन एज द फादर ऑफ द येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक। तो सैम पित्रोदा जो है इसके फादर थे। सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट कंप्लीट करते हैं, यूनिट 7 जो कि है एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। कल से हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूनिट 7 कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं है कोई क्वेश्चन?
ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।